मैं आपको बताता रहा हूँ कि मैं अगर IMF का आपसे वाबस्ता हूँ तो मैं बिल्कुल क्लियरली जो पोजीशन मेरी 1950 की फाइल थी वो खोल लूँ IMF बैठ के वाशिंगटन में, तो वही 2021 में है। हम भाई के वही खड़े हैं 2021 में भी जहाँ हम 1950 में खड़े थे। मैं बात कर रहा हूँ 70 साल की, एक दिन की नहीं बात कर रहा, 70 साल में दो नस्लें आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये एक बिल्कुल बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाएगा कि 70 साल में हम एक इंच भी क्यों आगे नहीं बढ़ सके, और मैं बिल्कुल मुझे इस कहने में कोई भी मुझे कहते ना कि आप, मुझे कोई रुकावट नहीं है कि 70 साल में हम एक इंच भी आगे नहीं बढ़े हैं। जहाँ तक मुल्की मईशत का सवाल है या मुल्की मईशत की सस्टेनेबिलिटी का सवाल है, अब आ जाए जो अपराध हैं उनमें, जब मुल्की मईशत कमज़ोर होती है तो उसमें उसका असर अफराद पर आता है। अफराद में क्या होता है कि अफराद फिर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं, एक वो होते हैं जो हैव्स होते हैं और एक हैव नॉट्स होते हैं, और फिर डिफरेंस बिटवीन दी हैव्स एंड हैव नॉट बढ़ जाती है। गुर्बत, गरीब गरीब होता जाता है और अमीर अमीर होता जाता है। तो पाकिस्तान में क्योंकि स्टेट हमेशा कमज़ोर रही और स्टेट ने हमेशा अपने आप को कमज़ोर पाया, तो वो अमीरों के मफादात में काम करती रही, आज भी कर रही है, और गरीब गरीब हो रहा है। अच्छा, तो ये चीज़ इमरान खान कहते हैं कि माफियाज हैं, जो आपने कहा ना हैव्स एंड, जो तफावत है बढ़ती जा रही है गरीबों के लिए, तो प्राइम मिनिस्टर आप कह रहे हैं कि रियासते मदीना वाला तस्वर है, वो लंगर खाने भी खोल रहे हैं, बाकी चीज़ें कर रहे हैं। ये जो इकॉनमी का मॉडल है जो इमरान खान का है, ये क्या है? देखिए, बात ये कि ये दो चीज़ें अलग अलग हैं। एक सवाल ये है कि पाकिस्तान में हर सेक्टर में एक माफिया है। माफिया का मतलब ये है कि उनके आपस में तो खिलाफात हैं, मगर जब उनका अपना इंटरेस्ट आता है तो वो कौमी मफाद के खिलाफ भी काम करने को तैयार हैं। जो दुकान है बाजार में, अनारकली में या कहीं पे, वो दोनों दुकानदार एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं, मगर टैक्स नहीं देने पर दोनों मुत्तफिक हैं। ये माफिया है, ये माफिया को माफिया कहते हैं। सारे MNAs, सारे MPAs आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं, मगर इस बात पे मुत्तफ़क हैं कि कोई ऐसी टैक्सेशन नहीं होगी जिससे आवाम का फ़ायदा हो। तो ये माफिया है, तो इसी को माफिया कहते हैं कि आप अपने अफाद के लिए तो यकजा हो जाएं और वैसे आप लड़ते रहें। अच्छा, ये माफिया क्यों बन जाता है? माफिया उस वक्त बनता है जब रियासत कमज़ोर हो जाती है। रियासत कमज़ोर है, माफिया स्ट्रांग है। रियासत इतनी कमज़ोर है, और आप बार बार लोग मुझे कहते हैं कि आप क्यों छोड़कर आ गए, आप छोड़ के आ गए। आप जब मैं ट्रेडर्स की हड़ताल को मुझे बचाने के लिए उनके साथ एग्रीमेंट करके एक टाइम देना पड़ा, तो मैं यही सोचता था कि यार ये फिर ये ज़्यादा बढ़े हैं या हम ज़्यादा बढ़े हैं, क्या चीज़ सही है। तो सवाल ये है ना कि माफियाज इमरान खान यहाँ तक ठीक है कि माफिया है। दूसरी चीज़ इमरान खान इस पर ठीक है कि हमें इम्पोर्ट बेस ख़त्म करके के एक्सपोर्ट लेट ग्रोथ से, इस पर भी इमरान खान ठीक है। मगर इमरान खान जहाँ पर गलत है वो ये है, मैं ये ज़ाती तौर समझता हूँ कि ये लंगर खाने से और इन चीज़ों से टेम्प्रेरी तो कोई रिलीफ हो सकती है, मगर ये किसी भी माशी मसले का हल नहीं है। ये किसी भी माशी मसले का हल नहीं है। और हमें अपने, मैंने एक ट्वीट भी किया था जो शायद लोगों को बहुत बुरा लगा है और लोगों ने उसे बड़ा रिएक्शन भी किया है, और मैं आपके प्रोग्राम में भी कह रहा हूँ, मैं ये समझता हूँ कि हम अब माशी मामलात में, मेरी प्लीज मेरी बात को लिमिटेड रखिएगा, माशी मामलात में 1973 के आइन के तहत इस मुल्क को नहीं जा सकते। ये मेरा कैटेगोरिकल आपको आंसर। यानी वो जो आपने ट्वीट किया था नया अमरानी माहिदा, फिर फवाद चौधरी ने भी कहा कि जी आप सिर्फ अपने मामलात पे करें, और मामला फिर आपने डिफ्यूज़ भी कर दिया था, लेकिन आप मईशत के लिए क्यों ये कह रहे हैं, वजह क्या है उसकी? मैं ये दो बातों की से कह रहा हूँ। पहले तो बातों को लिए मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे आइन में सारे लोगों में, अभी आप एक छोटा सा स्टिकर चलाएं, एक सिर्फ आधी लाइन का, उसमें लिखें कि NFC तब्दील हो रहा है। आप ये स्टिकर चला दें अभी टीवी पर, आप देखिए शायद 5 मिनट बाद, अच्छा 5 मिनट बाद पूरा पाकिस्तान हिल जाएगा, ठीक है। आप अभी स्टिकर चलाएं कि NFC में तब्दीली हो रही है,
पूरा पाकिस्तान अभी हिल जाएगा। आप में से किसी को पता है कि पीएफसी क्या होता है? जी प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन तो सुना ही नहीं, आप तो नेशनल में ही अभी तक फंसे हुए। नहीं, नेशनल में फंसे नहीं है, ये गलतफहमी है आपकी। नेशनल में इसलिए फंसे हैं कि हमें प्रोविंसेस को और प्रोविंसेस में डिस्ट्रिक्ट को पैसे नहीं देने, हमें नहीं देना, हमें इक्विटी नहीं कायम करनी। तो अगर आप प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के मामलात को नहीं लेके आते आईन में, तो फिर आप पाकिस्तान में कोई भी टैक्सेशन का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। दूसरी बात कि हमने टैक्सेशन में सूबाई गवर्नमेंट की जो टैक्सेशन की राइट्स हैं और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के टैक्सेशन के राइट्स हैं, उसको 1935 से 1935 से आज तक सेटल नहीं किया है। सबको उठा के 1935 के आइन से लेकर आज तक चलते रहे हैं। एनएफसी ने भी कुछ नहीं किया, सिर्फ परसेंटेज चेंज किया है। अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट बिटवीन द प्रोविंसेस एंड फेडरेशन रहा रेवेन्यूज का, तो ये मुल्क नहीं चल सकता, क्योंकि जो प्रोविंसेस हैं, जो उनको टैक्सेस दिए गए हैं, उनको कोई उन्होंने कोई ये फैसला कर लिया है कि वो सिर्फ खर्चे की मशीन है, वो कमाएंगे नहीं। नहीं, और ये 18वीं तरमीम की भी बहस है कि जो 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात सूबों को चले गए हैं, सूबे तो अब ले रहे हैं वफाक से, वफाक कमज़ोर हो रहा है, सूबे और नीचे नहीं दे रहे। ये लेवल एक डिबेट और सारी चीज़, और सियासतदान इस पर बड़ा, और ख़ासकर ये डिबेट नहीं है, ये सियासत है। ये इसलिए किया जा रहा है कि आप ये नहीं चाहते कि इख्तियार चीफ मिनिस्टर हाउस से निकलकर मेयर के पास चला जाए। पहले प्राइम मिनिस्टर हाउस से नहीं जा रहा था, वहां पे गया तो चले, अब ये भी देखें कुछ अरसे में शायद ये भी हो जाए। लेकिन ये भी आप गलत समझते हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस से भी नहीं गया। देखिए, अब उल्टा किस्सा है, प्राइम मिनिस्टर हाउस के पास पैसा कमाने का अख्तियार है और चीफ मिनिस्टर के पास पैसा खर्च करने का अख्तियार है। ये बात गलत। अब सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हमें करना क्या है महंगाई को। देखिए, मैं इस बात पर बिल्कुल तकरीबन मुत्तफिक हो चुका हूं और अब कन्विंस हो चुका हूं कि SECP, FBR, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और जो हमारे इदारे हैं जो महंगाई को कंट्रोल करते हैं या डील करते हैं, रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब लोग आप ये समझें कि ये घर में बैठे चाय पी रहे हैं बस। मतलब अगर आप स्टेट बैंक के लॉ के ऊपर आप देखा होगा, आजकल बड़ा शोर शराबा हो रहा है, ठीक है ना, कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करेगा, ये करेगा, वो करेगा। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि अगर स्टेट बैंक का गवर्नर और उसका बोर्ड और उसका सारा अमला 28 घंटे काम भी कर लेना, तो भी रेवेन्यू और कभी भी इन्फ्लेशन कंट्रोल वो नहीं कर सकते। अगर उसकी वजह यह है कि जो मार्केट मैकेनिज्म है जिसके बेस पर आलू प्याज टमाटर आपको मिल रहा है, उसका ताल्लुक ही उनके साथ कोई नहीं है, वो कैश में आ रहा है और कैश में जा रहा है, उन्हें पता ही नहीं हो क्या रहा है। यानी मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट से नहीं हो सकता वो, उसके लिए डायनामिक्स फर्क है। मेरा उससे कहने का है कि हमारी रियल इकोनॉमी में और बुकिश इकोनॉमी में इतना बड़ा तजाद आ गया है कि उस तजाद ने महंगाई को उस जगह पर लेके चले। देखिए, मैं आप भी एग्री करेंगे और पाकिस्तान का हर आदमी ये एग्री करेगा कि इमरान खान साहब महंगाई खत्म करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो हम मानेंगे ना, नाकामी अपनी जगह पर है, कोशिश कर रहे हैं, हम मानते हैं इस बात को, कोशिश कर रहे हैं। आप कभी सोचें कि वो नाकाम क्यों हो रहे हैं? मैं कहता हूं जी, क्या इस पे किसी को डाउट है वो कोशिश नहीं कर रहे? हम सब कुछ एग्री करते हैं, कामयाबी क्यों नहीं हो रही, कोई क्या खराबी है? खराबी ये है कि उस जो घोड़ा भाग रहा है उसकी लगाम आपके हाथ में है ही नहीं। जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को आपको बाजार में मिल रही है, जो आटा दाल चीनी मिल रहा है, उसमें से 40-50% आउट ऑफ बुक्स है, कैश इकोनॉमी में डील हो रहा है, उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे? कैसे करेंगे कंट्रोल? ये तो पूरी जो मैं कहता था डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी करो, डॉक्यूमेंटेशन इकोनॉमी करो, वो मैं कोई इसमें नहीं, मुझे कोई ख्वाब नहीं आया था।
मैं कहता हूं जब तक इकोनॉमी डॉक्यूमेंट नहीं होगी, इकोनॉमी मैनेज भी नहीं होगी, आपको पता ही नहीं है कि तो कितना आपका वो है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पे दो तीन चीजें मैं पूछ रहा हूँ शबर साहब, क्योंकि आपने जाहिर बात है चेयरमैन एफबीआर भी रहे हैं, तमाम सेक्टर्स को भी देखा है। अभी जो गाड़ियों वाला मामला देखें, कोविड हो गया, मुल्क के हालात खराब हो गए, जैसे ही होता है गाड़ियों का वो खुलती हैं तो बुकिंग्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, ऑन देखें, अब डॉलर के बाद कीमतें भी इतनी बढ़ गई, उसके वापस आने का तो नाम नहीं लेती, बाकी चीज़ स्पेयर पार्ट्स आप देख लें, ये क्या फिनोमेना है, लोगों के पास कहाँ से इतना पैसा है और ये कैसे, ये कौन से लोग हैं ये? देखिए मुझे एक बात बताओ कि 22वें ग्रेड के आदमी की तनख्वाह कितनी है मैक्सिमम कैश में? 2 लाख रुपए जी, 1.5-2 लाख इस तरह का उनकी सैलरी का स्लैब है। अच्छा, तो 22वें ग्रेड के बंदे जो हैं उनके पास क्या, कौन से घर हैं, कौन सी गाड़ियां हैं, कौन से बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? जी सारे मुल्क से बाहर ही पढ़ते हैं। फिर तो पैसे, ये पैसे जो मार्केट में नजर आ रहे हैं आपको, ये करप्शन की एक्युमुलेट मनी है। ये पैसे बिल्कुल, आप जब गाड़ियों की बुकिंग जब हुई है ना, तो मैं बिल्कुल बड़ा, मुझे बड़ी कोई परेशानी नहीं है, बड़ा मुझे क्लैरिटी से हो गया था कि क्या हो रहा है। देखिए मैंने सारी जिंदगी इसी फील्ड में गुजारी है, ठीक है ना, जो कुछ मैं जानता हूँ शायद आप नहीं जानते, ठीक है ना। तो पाकिस्तान का ब्लैक मनी कहाँ पार्क होता है? ये पार्क होता है प्रॉपर्टी में, ये पार्क होता है सोने में, ये पार्क होता है डॉलर में, ये पार्क होता है गाड़ियों की बुकिंग में, ये पार्क होता है प्लॉटों में, ये पार्क होता है गोल्ड बुलियन में। तो ये सारे पार्किंग लॉट हैं। जब आपको नजर आए कि गाड़ी हैवी हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि करप्शन जो है वो हमारे मुल्क में बढ़ गई है, क्योंकि वो पैसा जो है उसे कहीं ना कहीं तो पार्क करना है ना। और इसका एक और बड़ा इंटरेस्टिंग रास्ता है, जगह है, वो है कमर्शियल बैंक के डिपॉजिट्स। आप कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट देख लें जाके, नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग डिपॉजिट की लेवल क्या है, वो पैसा किसका है, किसका पैसा है मुझे बताएं ना, वो जो पैसे पड़े हैं कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट के, वो किसके पैसे हैं? मगर आपने ना मुझे इजाजत दी करने की, ना आप किसी और को करने की इजाजत देंगे, ये सब सफेद पोस्ट सामने आ जाएंगे। देखें इमरान खान साहब के साथ हम खड़े हैं, इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ करेंगे। अच्छा, लेकिन अब दो तीन चीज़ें आपने बड़ी की थी, एक टोबैको सेक्टर का भी प्राइम मिनिस्टर ने भी पिछले दिनों जब कैबिनेट में भी खिताब किया था, वहाँ भी बोला था कि दो कंपनीज हैं वो 97% टैक्स देती है और 40% वो कहते हैं इलीगल इलेजिटिमेट सेक्टर में है। तो इतनी बड़ी डायकॉटमी है सर, इसको पकड़ना, ठीक करना कितना बड़ा मसला था, इस सेक्टर को भी हम लोग नहीं ठीक कर सके, इसका क्या इशू है? ये जो टोबैको का जो इलीगल ट्रेड है, टोबैको कहाँ पैदा होती है? फ्रंटियर के फ्रंटियर के चंदे गजला में होती है ना जी, और वही बनती है सिगरेट, जो जो असली जाली बनता है वही बनता है ना जी। अब उनके एमएनए और सेनेटर की बाइंग पावर आप देख लें, मैं इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता,